नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट और वेन्यू का ई वेरिएंट कंपेयर हेड टू हेड, एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट ऑडियो इंफोटेनमेंट एंड साथ ही साथ सेफ्टी पर बात करेंगे, हेड टू हेड कंपेयर करेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे कौन सा वेरिएंट है आपके लिए ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी। चलते सबसे पहले एक्सटीरियर पे, तो आपको आगे की तरफ दोनों में हेलोजन लैंप्स देखने को मिलेंगे। वहीं बाद बात करूँ टायर्स की, तो आपको 16 इंची के टायर देखने को मिलेंगे फ्रॉन्क्स में। वहीं बात करूँ 15 इंची मिलेंगे वेन्यू में। शार्क फिन एंटीना मिलेगा आपको फ्रॉन्क्स में, वेन्यू में नहीं मिलेगा। व्हील कवर भी देखने को मिलेगा दोनों ही मॉडल्स में। एंड लास्टली बात करो स्किट प्लेट की, वो आपको दोनों में फ्रंट रियर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रॉन्क्स ज़्यादा बेटर निकल के आती है, क्योंकि इसमें आपको 16 इंच के टायर मिलेंगे एंड वो आपको बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेंगे एंड आपको बाहर से नहीं लगवाने पड़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि आता है हमारा इंटीरियर। तो आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलेगा फ्रॉन्क्स में, वेन्यू में आपको नॉर्मल स्टेयरिंग मिलेगा। साथ ही साथ बात करूँ क्रोम पेंटेड डोर्स मिलेंगे आपको वेन्यू में, फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेंगे। डुअल टोन इंटीरियर्स मिलेंगे दोनों में एंड प्रीमियम फैब्रिक सीट मिलेगी आपको दोनों ही मॉडल्स में। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इंटीरियर की बात करें तो हेड टू हेड टक्कर में दोनों सेम पॉइंट पे आते हैं, बट स्टेयरिंग व्हील में थोड़ा सा फ्रॉन्क्स आगे निकल के आ जाता है। चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि आता है ऑडियो इंफोटेनमेंट। तो बात करें यहाँ पर दोनों में कोई भी स्टीरियो नहीं आएगा, खाली डब्बा आएगा, कोई भी स्पीकर्स नहीं आएंगे एंड साथ ही साथ आपको जो MID मिलेगी वो दोनों में सिंगल कलर मिलेगी, कोई भी मल्टी कलर नहीं मिलेगी। तो स्टीरियो के मामले में, इंफोटेनमेंट के मामले में दोनों बिल्कुल सेम है, कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ, जो कि आता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो सबसे पहले बात करें हम लोग स्टीयरिंग की, तो दोनों में आपको टिल्ट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। पावर विंडोज जो है फ्रॉन्क्स में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों मिलेगी, वहीं बात करूँ वेन्यू में केवल फ्रंट में मिलेगी। कीलेस एंट्री भी है फ्रॉन्क्स में, वेन्यू में नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग दोनों में। एंड साथ ही साथ बात करूँ AC की, तो आपको बेस मॉडल से फ्रॉन्क्स में ऑटोमेटिक AC मिलेगा। वहीं बात करूँ वेन्यू की, तो आपको वहाँ पे मैनुअल AC मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। तो अगर मैं कंफर्ट कन्वीनियंस की बात करूँ तो फ्रॉन्क्स पहला विनर निकल कर आता है एंड सर्वगुण संपन्न जो गाड़ी होती है उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल वेन्यू से काफ़ी बड़े मार्जिन अभी तक तो लीड करता है। बट वेट करिए, चलते हैं अपने सेफ्टी सेगमेंट में और देखते हैं उसमें कौन निकल कर आता है। तो बात करूँ फ्रॉन्क्स में, तो आपको ESP मिलता है बेस मॉडल से ही, आपको हिल होल्ड असिस्ट भी मिलता है बेस मॉडल से ही, वेन्यू में नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूँ हमारे डुअल एयरबैग्स की, वो दोनों में देखने को मिलते हैं, चार एयरबैग्स नहीं आते, डुअल आते हैं बेस मॉडल से। रियर डिफॉगर भी मिलता है आपको फ्रॉन्क्स में देखने के लिए एंड साथ साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दोनों में देखने को मिलते हैं, बट कोई भी हमें कैमरा देखने को नहीं मिलता है बेस मॉडल में। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी लिस्ट, एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट ऑडियो एंड सेफ्टी। एंड आपने देखा कि बेस मॉडल में फ्रॉन्क्स सिग्मा काफ़ी आगे निकल कर आता है वेन्यू के कंपैरिजन में। एंड एक और चीज़ बता दूं कि जो ये मैंने मॉडल कंपेयर करा है, ये दोनों ही 1.2 लीटर कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेस मॉडल में कहीं भी 1 लीटर टर्बो नहीं मिलता है। एंड बता दूं कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वेन्यू की 195 लगभग आती है एंड फ्रॉन्क्स की जो है 190 बताई जा रही है। एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको, अगर आप कोई SUV लेने का सोच रहे थे, दोनों ही अपने पॉइंट पे बढ़िया साबित होती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, कोई और भी वीडियो देखनी है तो आप डेफिनेट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी नोट पे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी वैसे वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड सब्सक्राइब टू ऑल अबाउट कार्स चैनल।